बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक तो बड़ी खुशखबरी ये है कि इमरान खान को डॉक्टरों ने रिलीज कर दिया है, वो अपने घर मॉडल टाउन में पहुंच गए। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कंटेनर पे जिस तरह से वशियाना फायरिंग की गई, मेरे कायद मेरे कप्तान की जान लेने की कोशिश की गई। बात वो कई माह से वो बता रहे थे, तमाम इदारों को बता रहे थे, पुलिस को बता रहे थे, FIA को बता रहे थे, सारों को बता रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने नाम बताया और अब जो कप्तान ने तीन नाम बताए हैं उन तीनों के खिलाफ FIR चाहिए, जिसमें जिसमें शहबाज शरीफ, जिसमें नानो सिनाउल्ला, जो सबसे बड़ा मुमकिन नहीं है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। मुमकिन है कि इमरान खान का शक अलग हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करेगा कोई, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? इस मुल्क में जो आजम स्वाति के साथ हुआ वो किसी थर्ड क्लास मुल्क में भी नहीं होता। एक आदमी की निजी जिंदगी की वीडियो बनाकर उसकी बीवी को भेजी गई, बेगैरत हैं वो लोग जिन्होंने ये वीडियो बनाई, और उनसे भी बड़े बेगैरत हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। FIA ने एक ही दिन में फ्रांसिस कर लिया कि जी ये जाली वीडियो है। ये FIA भी मिली हुई है, ये सारे इदारे मिले हुए हैं इस हुकूमत के साथ, जो कभी 75 साल आजम स्वाति को नंगा करते हैं, कभी शहबाज गिल को नंगा करते हैं, और शहबाज गिल से उन्होंने पैगाम भिजवाया कि अपने कप्तान को बता दो कि तुम्हारे साथ भी यही काम करेंगे। और तुम कप्तान क्या, कप्तान के सिपाही के साथ भी आगे से ही काम नहीं कर सकते। तुम जो कोई भी हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, इस मुल्क में ज़्यादा नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है, इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में बेगैरतों का राज है, और इंशाल्लाह कप्तान इन बेगैरतों को गिरेबान से पकड़ के बाहर फेंकेगा इख्तदार से। ये सारे राणा सनाउल्ला, तुझे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी बाहर नहीं जाने दे, तेरा वो तो अब्बा तो चला गया पाकिस्तान से बाहर, वो बैठा हुआ है नवाज शरीफ। इस राणा सनाउल्ला को इंशाल्लाह पाकिस्तान में यहाँ रगड़ेंगे, इससे हिसाब लेंगे, इससे किताब लेंगे। एक एक मेरी बहन के साथ जो इसने दुपट्टा गिराया है, जो चादर चादी और पहनाल के इसको इंशाल्लाह इसी के साथ रखेंगे। और मैं कप्तान के साथ उनके सीधे हाथ पर खड़ा हुआ था कंटेनर में जिस वक्त फायरिंग हुई, और जब हम गिरे और भगदड़ मची है तो कप्तान दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। एक वो कलमा पढ़ रहा था ला इल्लाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा सारों को कह रहा था कि आपने घबराना नहीं, आराम से बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो आएगी, नहीं लिखी तो नहीं आएगी। और मेरे मालिक ने अभी इमरान खान की मौत का बंदोबस्त नहीं किया। अभी इमरान खान ने पाकिस्तान को बचाना है, अभी इमरान खान ने पाकिस्तान को इस अजाब से निकालना है। ये अजाब जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की सूरत में आया है, इंशाल्लाह इसको निकाल कर दम लेंगे। हम आज सब अहद करते हैं कि हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे, जहाँ एक कतरा कप्तान के पसीने का गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम अहद करते हैं कि हमने अपने कप्तान के साथ इस पाकिस्तान को बदलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।